आज पूरे भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस कांग्रेस दफ्तर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेश भर में स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस संगठन प्रभारी चंद्र प्रभा शेखर ने झंडा फहराकर कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई और देशभक्ति के गीत गाए गए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागृह में कांग्रेस के संस्थापक एओयूम के समय से जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं उन सभी के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का स्थापना के बाद से ही भारत की आजादी के संघर्ष से लेकर देश के विकास में योगदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। वहीं सीएम कमलनाथ के निर्देश पर समूचे मध्य प्रदेश में जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए उमेश बनर्जी और वहां से लेके जितने भी अध्यक्ष अलग अलग समय पे हुए, अलग अलग शहरों में उनका इलेक्शन हुआ, वो उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और कांग्रेस का जो है पूरा कि कांग्रेस शब्द का मतलब क्या है, ये सब एक एक चीज़ यहाँ बताई गई है। और आज हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और इतने सालों 134 साल के अंदर पहले 1947 तक कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में और नेताओं के नेतृत्व में पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सब उस समय अध्यक्ष रहे और जेलों में जाकर अंग्रेजों की खिलाफत की आंदोलन किए जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद 1947 के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कम से कम 5-6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे उनके नेतृत्व में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। और आज अगर देश शक्तिशाली है तो निश्चित तौर पर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस की देन रही है। मैं इस मौके पर कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।